जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ घटना चक्र की एक और नई सीरीज। इस सीरीज में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट PCS एवं IAS प्री में पूछे गए हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। आज जो मैंने इस वीडियो में चैप्टर को कवर किया है उसका नाम है संवैधानिक विकास। तो संवैधानिक विकास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सवाल विभिन्न स्टेट PCS एवं IAS प्री में पूछे गए उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन में भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सवाल विभिन्न स्टेट PCS एवं IAS प्री में पूछे गए उनको हम लोग देखेंगे। तो भारत के संवैधानिक विकास के अंतर्गत दोस्तों इसे दो पार्टों में डिवाइड किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम और ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम से संबंधित जितने भी सवाल पूछे गए हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो आज के डिस्कशन का हमारा फर्स्ट सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो दोस्तों 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसी के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था दोस्तों। और इसके जो न्यायाधीश बनाए गए थे दोस्तों, प्रथम न्यायाधीश उनका नाम था, आपको याद रखना है, एलिजा जो इम्पे थे उन्हीं को कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था दोस्तों। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि यह रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था तो यह 1774 ईस्वी में पारित हुआ था दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है दोस्तों कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, यह बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। मैंने अभी आपको बताया है कि कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी उसके प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे कौन थे, एलिजा इम्पे उनके दो थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये एक सही है जबकि दो गलत है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो केवल एक जो है दोस्तों इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूची वन को सूची दो से मिलान करना है। सूची वन में नियंत्रण परिषद की स्थापना, तो दोस्तों नियंत्रण परिषद की जो स्थापना की गई थी वो पीट्स 1774 ईस्वी के पीट्स इंडिया एक्ट के थ्रू की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी दोस्तों वो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। और इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति जो मिली थी दोस्तों वह 1813 के चार्टर अधिनियम में मिली थी। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति जो मिली थी दोस्तों वह चार्टर अधिनियम 1833 यानी 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति की गई थी दोस्तों। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ए का दो होगा, बी का वन होगा। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ए का दो और बी का वन, तो केवल एक ही ऑप्शन में है और वो ऑप्शन क्या है दोस्तों, बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किससे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। तो दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा की नींव भारत में किससे पड़ी थी, तो 1813 का चार्टर्ड एक्ट इससे भी पड़ा था दोस्तों, जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 इससे भी पड़ा था दोस्तों, और प्राचविद और आंग्लविद विवाद इससे भी जो है दोस्तों भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वन टू और जो थ्री है दोस्तों यह तीनों सही आंसर है इसका।
अब देखते हैं इससे कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रचार के लिए प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपये खर्च करने का प्रावधान अपनाया गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, आपसे पूछ सकता है कि पहली बार शिक्षा पर 1,00,000 रुपये खर्च करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था, तो वो 1813 के चार्टर अधिनियम में किया गया था दोस्तों। फिर है दोस्तों कि 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपये देने की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसके अध्यक्ष जो थे लॉर्ड मैकाले थे। लॉर्ड मैकाले जो थे दोस्तों इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया था। तो ये भी याद रखना है कि किसके शासनकाल में यह स्वीकार किया गया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में। फिर है दोस्तों, स्वीकृति कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बना दिया गया था। तो ये भी सवाल आपको याद रखना है कि 7 मार्च 1935 ईस्वी को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया था दोस्तों। और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों आगामी एग्जामों के लिए, जिसे आपको ध्यान में रखना है। फिर है दोस्तों कि भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थक के नेता ट्रेवेलियन थे, ये भी इम्पोर्टेंट है, जबकि एचटी प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे दोस्तों। तो ये दोनों महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों। आंग्ल शिक्षा के समर्थक कौन थे, तो ट्रेवेलियन और एचटी प्रिंसेप जो थे प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो दोस्तों 1813 का चार्टर अधिनियम था, उसमें यह प्रावधान किया गया कि ईस्ट इंडिया के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था तथा उसे केवल चाय और चीन के साथ व्यापार करने की अनुमति मिली थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1813 ईस्वी का अधिनियम। दोस्तों यहाँ पर एक अधिनियम आया 1833 का, तो 1833 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनैतिक कार्य ही करने थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान थे दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि चार्टर्ड एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। सही बात है दोस्तों, यह बिल्कुल सही आंसर है, अभी मैंने आपको बताया था। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। तो ये क्या है दोस्तों, यह बिल्कुल गलत बात, यह भी सही बात है दोस्तों कि इसने जो है कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए ब्रिटिश राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया, ये भी सही है। और तीसरा है दोस्तों कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। ये इसमें यह प्रावधान नहीं किया गया था, बल्कि 1858 ईस्वी का जो अधिनियम था उसमें यह प्रावधान किया गया था। तो इस हिसाब से 1 और 2 सही है दोस्तों, बाकी जो 3 है वह बिल्कुल गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 और 2। अब देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान इससे किए गए हैं। तो चार्टर्ड एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों पर अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार परस्पर 1 और 2 सही है, किंतु 3 गलत है दोस्तों, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि 1858 ईस्वी में यह प्रावधान किया गया था।
जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। तो ये भी याद रखना कि काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, तो 1858 ईस्वी के अधिनियम के थ्रू किया गया था। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था, तो वो कौन सा अधिनियम था दोस्तों, तो वो था 1833 ईस्वी का अधिनियम। 1833 ईस्वी के अधिनियम में के द्वारा दोस्तों भारतीयों को देश के प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया गया था दोस्तों इस अधिनियम के द्वारा। यानी भारतीय देश के प्रशासन में हिस्सा ले सकते थे, ऐसा पहली बार प्रावधान किस चार्टर्ड एक्ट में किया गया था, तो 1833 ईस्वी का चार्टर्ड एक्ट में यह प्रावधान किया गया था। अब देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट है इससे रिलेटेड। तो चार्टर्ड एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, ये भी याद रखना है कि अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकता है। कालांतर में राजनैतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग दोस्तों ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम जितने भी है, पारित शासनाधिनियम से संबंधित जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा प्री आईएसपी में पूछे गए हैं, उनको हम लोग एक एक कर देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की अनुमति या शक्ति दी गई थी दोस्तों। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था दोस्तों, उसमें भारतीयों को विधान परिषद को बजट पर बहस करने की अनुमति प्रदान की गई थी दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है दोस्तों इस अधिनियम का, जिसे आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान और भी हैं इसमें। तो 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की, इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। यह ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें जो है इस अधिनियम में मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति। तो ये सारे के सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स है दोस्तों कि 6 दिन की पूर्व अनुमति, यानी पहले नोटिस देना है उसके बाद प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी भारतीयों को, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार उन्हें नहीं था। उन्हें पूरक प्रश्न जो है दोस्तों पूछने का अधिकार नहीं था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की भी व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई थी दोस्तों, तो 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा यह व्यवस्था की गई थी। सांप्रदायिकता का पहला बीज जो बोया गया था दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा, वो कौन सा अधिनियम था, तो 1919 ईस्वी का मार्ले मिंटो सुधार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब क्या है इस अधिनियम से प्रावधान देख लेते हैं। तो भारतीय परिषद अधिनियम यानी 1919 ईस्वी का जो भारतीय परिषद अधिनियम है जिसे हम लोग मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं दोस्तों, द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों भारत में संघीय न्यायालय की जो स्थापना की गई थी, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों डी होगा। तो संघीय न्यायालय की स्थापना इसमें से किसी में किया नहीं गया था, तो किसमें किया गया था दोस्तों, तो वो अधिनियम था भारत जो सरकार अधिनियम था 1935, उसमें संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था दोस्तों। और ये कब किया गया था, तो 1 अक्टूबर 1937 को। इसके प्रथम मुख्य जो न्यायाधीश बनाए गए थे दोस्तों, ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो कौन बनाए गए थे दोस्तों, तो सर मॉरिस गेवियर को इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था दोस्तों। तो उपयुक्त दिए गए विकल्पों में भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं होने के कारण विकल्प डी इसका जो है दोस्तों करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो अभी मैंने बताया था दोस्तों कि जो भारत का संघीय न्यायालय है वो कब बनकर स्थापित हुआ था, तो 1937 ईस्वी में यह बनकर तैयार हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो दोस्तों केंद्र में जो द्वैत शासन है वो किस अधिनियम के थ्रू लाया गया था? तो केंद्र में जो है द्वैत शासन 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा लाया गया था दोस्तों। और प्रांतों में जो द्वैत शासन है, प्रांतों में जो द्वैत शासन है वो कब लाया गया था दोस्तों? तो वह जो था लाया गया था 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम में लाया गया था। प्रांतों में द्वैत शासन पूछे तो 1919 ईस्वी का जो भारत सरकार अधिनियम था उसमें लाया गया था, जबकि केंद्र में जो द्वैत शासन है दोस्तों वह 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम में लाया गया था। और 1935 ईस्वी में एक और प्रावधान है दोस्तों कि प्रांतों में द्वैत शासन को कब समाप्त किया गया था? तो वह 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम में प्रांतों में जो द्वैत शासन लगाया गया था उसे हटा लिया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड, जिसे आपको ध्यान में रखना है। एक बार रीडिंग भी कर लेते हैं इसको। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैत शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया था। केंद्र में द्वैत शासन के तहत संघीय विषयों को दो भागों में बांटा गया था। कौन कौन से वो दो विषय थे दोस्तों? तो एक थे रिजर्व्ड और थे एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो सेम क्वेश्चन है दोस्तों, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में यह प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 1919 के भारत शासन अधिनियम को निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? तो कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं दोस्तों? तो प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी दोस्तों, यह बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर उसके बाद है दोस्तों, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी, बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी दोस्तों वह 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटू एक्ट के द्वारा की गई थी। तो दो गलत हो गया दोस्तों। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया, तो यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों, इसमें यह भी प्रावधान किया गया था। तो एक और तीन सही है दोस्तों, बल्कि दो गलत हैं, जबकि दो गलत है। तो इसमें आप ऑप्शन भी ऐसे भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं दोस्तों कि जिसमें दो रहेगा वो तो गलत हो जाएगा, यानी बी तो होगा नहीं इसका और डी तो होगा नहीं, तो आंसर या तो ए होगा या तो सी होगा। तो थोड़ा और अगर आप डीपली स्टडी करें तो एक तो सही ही है, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी, एक होगा। अब एक दोनों में अगर केंद्र वाला भी है अगर हमको मालूम चल जाए तो आसानी से इसको सी आंसर को हम टिकआउट कर सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे एग्जाम में आप आसानी से क्वालिफाइंग कर सकते हैं या किसी भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से आप दे सकते हैं दोस्तों। तो भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी, याद रखना है दोस्तों, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को दो श्रेणियों में बांटा गया था, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आरक्षित विषय किसको दिया गया था, तो प्रांतों के गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद के सदस्य को, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया था दोस्तों। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा संघीय एवं प्रांतीय विषय के रूप में किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इससे रिलेटेड कौन कौन से फैक्ट्स है दोस्तों, जहां तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था का प्रश्न है, तो यह कब किया गया था? मैंने आपको बताया था कि 1909 ईस्वी का मार्ले मिंटो एक्ट जो था उसमें व्यवस्था किया गया था दोस्तों। 1919 ईस्वी के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रहा बल्कि इसे सिखों, याद रखना है, सिखों, यूरोपीय भारतीय ईसाई एवं एंग्लो इंडियनों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया था दोस्तों। तो शुरुआत किया गया था पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था 1909 ईस्वी में, और 1919 ईस्वी में इसका विस्तार और भी आगे कर दिया गया, किसके किसके लिए? तो सिखों के लिए, यूरोपियों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए एवं एंग्लो इंडियन के लिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, कब बनाई गई थी प्रथम बार द्विसदनीय, तो 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जो है दोस्तों भारतीय विधान पालिका को पहली बार द्विसदनीय बनाया गया था। यहाँ पर 1919 ईस्वी के प्रावधान, 1919 ईस्वी में जो अधिनियम लाया गया था दोस्तों उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन यानी राज्य परिषद अवधि कम कब था दोस्तों, तो अवधि था प्रथम बैठक से 5 वर्ष कहलाता था, तथा इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा में क्या होगा दोस्तों, अवधि इसकी प्रथम बैठक से 3 वर्ष तक होगा दोस्तों। तो केंद्रीय विधानसभा को क्या कहा, केंद्रीय निचला जो सदन था वो क्या कहलाता, तो याद रखना है निचला जो सदन है वो कहलाता था केंद्रीय विधानसभा, और उसका कार्यकाल 3 वर्ष होता था दोस्तों प्रथम बैठक से। तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें से 100 निर्वाचित तथा 100 मनोनीत। तो 100 निर्वाचित थे इसमें और 40 जो थे इसमें मनोनीत थे। ज्ञातव्य है कि 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से 33 के निर्वाचित तथा शेष 27 के मनोनीत होने का प्रावधान किया गया, जबकि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर पहले 143 तथा फिर 145 कर दी गई थी दोस्तों। उल्लेखनीय है कि दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में से एक एक बराबर से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी होते थे, जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। बरार से मनोनीत होने वाले सदस्यों के निर्वाचित होने के कारण उनके उल्लेखों में से उसे निर्वाचित सदस्यों की संख्या में शामिल कर दिया गया था दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया, तो कौन सा एक्ट था दोस्तों, तो वो था 1919 ईस्वी का एक्ट। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, तो किस अधिनियम से प्रेरित है दोस्तों, तो भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 उसी से यह प्रेरित है, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, यानी ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ब्रिटिश जो गवर्नर जनरल थे उनको यह अधिकार कब से मिला था, तो 1861 से यह अधिकार मिला था। तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो मिला था दोस्तों, जो कि 1, 2, 3 में ये आर्टिकल भी महत्वपूर्ण है, क्या राष्ट्रपति किस आर्टिकल के थ्रू अध्यादेश जारी करता है, तो आर्टिकल 123 यानी 1, 2, 3 की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 याद रखना, और धारा जो है 43 से प्रेरित था दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था, तो कौन सा निर्वाचन भारत सरकार शासन अधिनियम के तहत हुआ था दोस्तों, तो आपको चयन करना है कि 1926, 1937, 1945 इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें से जो है दोस्तों ए और सी यानी 1926 सही है और 1945 सही है दोस्तों। अब देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट्स इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण है। तो प्रसंगत वर्षों में से 1926 और वर्ष 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था दोस्तों, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था, तो दोस्तों 1935 ईस्वी का जो भारत सरकार अधिनियम था उसमें संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था, साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका याद रखना है दोस्तों, इस अधिनियम में और कौन कौन से प्रावधान थे, तो भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम से रिलेटेड, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन निम्न में से इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है, तो इसमें से किस उल्लेखना पर आधारित है दोस्तों, मतलब किस अधिनियम पर ये आधारित है, तो अभी मैंने बताया था भारत सरकार जो अधिनियम 1935 उसमें इसका उल्लेख किया गया था केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन का। तो भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित योजनाओं पर आधारित था। इस अधिनियम की सातवीं अनुसूची में संघीय राज्य और संवर्ती सूचियों में विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया था, जो प्रांतीय स्वतंत्रता के सूत्रपात का संकेत था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी दोस्तों। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि संघ की जो अवशिष्ट शक्तियाँ तो वो किसे प्रदान किया गया था दोस्तों, तो वह गवर्नर जनरल को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है दोस्तों, कि इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया, यह बिल्कुल सही है दोस्तों, इसमें यह प्रावधान किया गया था। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिका को आवंटित किया गया था, यह बिल्कुल गलत है दोस्तों, जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वो किसको मिला था, तो वायसराय यानी गवर्नर जनरल को यह प्राप्त हुआ था। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत है, यह भी सही है। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में इसे लागू किया, यह भी सही है दोस्तों। तो आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था, तो द्वैत शासन लागू कब किया गया था दोस्तों, तो 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था लाई गई थी। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान कब किया गया था दोस्तों, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के जो भारत सरकार अधिनियम था दोस्तों, उसमें यह प्रावधान किया गया था अखिल भारतीय महासंघ को स्थापित करने का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी, तो कौन सा अधिनियम था दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, तो भारत सरकार अधिनियम जो था 1935 ईस्वी का, उसमें भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी, तो अभी मैंने बताया दोस्तों अवशिष्ट जो शक्तियाँ थी वो किसको दी गई थी, तो गवर्नर जनरल को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है, देश के लिए लिखित संविधान, फिर है दोस्तों विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावचित किया जाना यानी नॉमिनेट किया जाना, तो पहला जो है दोस्तों बिल्कुल गलत है, इसमें यह प्रावधान नहीं था। विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि यह सही है, एक संघ की योजना पर विचार करना यह भी सही है दोस्तों, इसमें यह प्रावधान किया गया था। फिर है विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावचित यानी नॉमिनेट किया जाना, ये भी सही है दोस्तों, तो इसमें कौन सा गलत है, देश के लिए लिखित संविधान का प्रावधान जो है इसमें शामिल नहीं था। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था, भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था, तो ये भी पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। सर्वप्रथम संविधान का उल्लेख किस मिशन में था, तो क्रिप्स मिशन में था। इन तीनों विकल्प या अन्य तीनों विकल्प भारत शासन अधिनियम में जो थे दोस्तों वो समाहित थे। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है, तो क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है कि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। भारतीय संविधान का जो प्रमुख प्रावधान यानी अनुच्छेद लिए गए दोस्तों, उसमें आधे से जो अधिक अनुच्छेद है इसी अधिनियम के उठाकर रखे गए हैं उसमें से, तो ये आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण अधिनियम है ये। तो भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार है, संघात्मक सरकार की स्थापना,
काफ़ी महत्वपूर्ण है। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, ये भी महत्वपूर्ण है। प्रांतों में द्वैत शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, छह प्रांतीय विधानमंडल, ये भी महत्वपूर्ण है। केंद्र में प्रांतों में शक्तियों का विभाजन तथा फेडरल न्यायालय की स्थापना, ये सब जो थे दोस्तों 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ, तो वो कौन सा अधिनियम था दोस्तों, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया था दोस्तों, बर्मा को भारत से अलग किया गया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप 1937 में भारत को बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था दोस्तों। तो 1935 में घोषणा की गई थी जब, और यह लागू कब हुआ था दोस्तों, तो 1937 ईस्वी में। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन, इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। इस डिस्कशन में हम लोगों ने आज जाना भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सवाल थे उनको हम लोगों ने देखा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।